ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। साइबर सेल सरगुजा और सीतापुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ठगी के मामले में बिहार शेखपुरा से एक नाबालिग सहित 3 अंतर्राज्यीय गठों को गिरफ्तार किया। देश के विभिन्न राज्यों में कई घटनाओं को अंजाम देने वाले ठगों पर सरगुजा पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों से 20 नग मोबाइल, फर्जी परिचय पत्र के माध्यम से जारी 50 सिम, अलग अलग कंपनियों के 15 एटीएम और नगद रुपए बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा ठगी के मामले में आरोपियों का तलाश शीघ्र करने का आदेश दिया गया। जांच विवेचना दौरान साइबर सेल से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को आरोपियों की धरपकड़ हेतु बिहार झारखंड भेजा गया था, जो पुलिस टीम के अथक प्रयास एवं साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर शेखपुरा बिहार से एक नाबालिग सहित 9 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस की तरफ से लगातार ऑपरेशन साइबर क्लीन चलाकर साइबर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उसी में सीतापुर में एक 346/22 का एफआईआर पिछले महीने में दर्ज हुआ है, जिसमें मीशो ऐप के नाम पर लाखों रुपए का इनाम का लालच देके अराउंड 5.5 लाख का ठगी हुआ था। इसको पकड़ने के लिए एक विशेष टीम आईजी सर और एसपी मैडम के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें मैं खुद अपना कलीम खान और विजय सिंह के साथ 17 लोगों को मैं शेखपुरा बिहार लेके गया था और वहाँ 48 घंटे तक कैंप करके रेड किए थे अलग अलग जगहों पे। 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसमें एक नाबालिग भी था, और 20 मोबाइल और 50 सिम कार्ड, 15 एटीएम और लगभग 11,000 के आसपास नगद बरामद किए थे, और कुछ सिम कार्ड, 50 सिम कार्ड के आसपास हमने टेलीकॉम कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को लिख के उसको ब्लॉक भी करवाए और करवाने के लिए लेटर लिखे थे। तो लगातार साइबर क्लीन ऑपरेशन सरगुजा पुलिस की तरफ से और चलाई जाएगी और साइबर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अभी 9 आरोपियों को पकड़े हैं और उसमें एक नाबालिग है। बिहार शेखपुरा जिले से। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।